प्रेगनेंसी ना रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण तो हमें पता चलते हैं, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट कराते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती है तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन तब की क्या करें जब अगर रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कतें हैं ही नहीं, ना किसी तरह की इनफर्टिलिटी इशू है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो कपल्स अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, वो क्वेश्चन लोगों के मन में आते हैं, कपल्स के मन में आते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर ये वीडियो बना रही हूँ। आज ये आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि इसको आप एक कारण मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं। अगर इसको आप एक कारण मानते हैं तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी भगवान ने चाहा तो एक महीने के अंदर ही कंसीव हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अगर पति पत्नी जब रिलेशन प्लान करते हैं उसके बाद जो मेल के सेल्स होते हैं वो सब कुछ आउट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगी फैक्ट के बारे में कि इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वॉटरी डिस्चार्ज होता है, जो रेसिड्यूअल होता है, उसमें मेल के सेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। क्योंकि जो मेल के सेल्स जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए या गर्भधारण के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको कुछ सेकंड्स का वक्त चाहिए होता है। वो कुछ सेकंड्स के दौरान ही सर्विक्स के यानी जो बच्चेदानी की मुंह के तरफ मूव करते हुए एग के पास जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसके फर्टिलाइजेशन का काम इंटरनली हो जाता है। लेकिन जो बाकी बचे हुए जो आपकी जो डिस्चार्ज है, जो आपका जो सब कुछ आउट हो जा रहा है, तो उसमें कोई भी मेल के सेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी मेल के सेल्स हैं वो डायरेक्टली अंदर एग के पास चले जाते हैं, उतना उनके लिए काफ़ी होता है ये समय। लेकिन अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, मन में कन्फ्यूज़न आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो बेडरूम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पे ये वीडियो की लिंक लगा दूंगी, वो ज़रूर ट्राई करिएगा। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ एक महीने के अंदर ही गर्भधारण हुआ है, तो आप जाके इस वीडियो को स्पेसिफिकली देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करनी है। और एक और टिप्स के बारे में बात की है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, वो वीडियो आपको जाके देखनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन कप यानी जो मेंस्ट्रुअल कप होती है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं रिलेशन के बाद, तो बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल कप होती हैं उसका काम होता है कि जो आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड होते हैं उसको रोकने का काम। रिलेशन के बाद अगर मान लीजिए कि इस डिस्चार्ज से आप परेशान हैं, तो आप तुरंत मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर लीजिए और बाकी जो आपके मन में ये डाउट आ रही है ये डाउट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मन में डाउट आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि केशरी कल्प च्यवनप्राश काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसको आपको एक चम्मच रात में दूध के साथ पीना है और डेफिनेटली आपके इस प्रॉब्लम को भी जल्दी से जल्दी निजात मिलेगी। या तो आप मक्का रूट के टैबलेट्स ले सकते हैं, पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते होंगे आपके नियर बाय उनसे ज़रूर डोजेस के बारे में पूछ लीजिएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, आप करके देखिएगा। और जो मैंने बेडरूम वाली ट्रिक बताई है आपको, उसको आपको ज़रूर देखना है। वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ की गलती अगर आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा।